हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं फ़िलहाल अभी देख सकते हैं गया रोड से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। जो जाती है इधर, जो लाइन दिख रही है सिंगल लाइन, वो गया जाती है और उधर जो है पटना जाती है। सो देख सकते हैं दोस्तों, ये है लखीसराय का आउटर। जी हाँ दोस्तों, लखीसराय का आउटर वहाँ पड़ता है। सो आप देख सकते हैं, और दोस्तों ये गया लाइन जो है सिंगल लाइन देख सकते हैं, गया लाइन। सो देख सकते हैं दोस्तों, ये गया लाइन है और आउटर दोस्तों इसका देख सकते हैं यहाँ पर पहले था। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कैसे इसको बेरहमी से आउटर सिग्नल को देख सकते हैं कैसे गिरा दिया गया है। सो देख सकते हैं दोस्तों, आउटर सिग्नल को डायरेक्ट गिरा दिया गया है और पटरी को डायरेक्ट कवाड़ लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पटरी को डायरेक्ट कवाड़ लिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ ज़ोर धोर से काम चल रहा है, दो दो JCB है। सो देख सकते हैं, मैं आपको आगे चल कर दिखाता हूँ। सो बने रहिए इस वीडियो में। सो दोस्तों, किउल सिराड़ी सेकुड़ा वारसलीगंज काशी चकनवादा गया के लिए बहुत ही परेशानी की बात यह हो चुकी है कि वो लखीसराय नहीं आ सकते हैं। जी दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं शायद एक महीने तक उनको ये काफ़ी परेशानी झेलना पड़ेगा। ये देख सकते हैं पटरी जो है यहाँ से डायरेक्ट कवाड़ लिया गया आगे। सो देख सकते हैं मेरी इस वीडियो में, और देख सकते हैं यहाँ JCB से काम चल रहा है जोर धोर की। सो देख सकते हैं दोस्तों कैसे ये काम चल रहा है यहाँ पर। सो दोस्तों, यहाँ पर जो है कवाड़ कर पटरी को यहाँ जो है देख सकते हैं ये गिरा रहा है। क्या चीज़ है जो भी है, खैर गिरा रहा है देख सकते हैं यहाँ, और इसको बराबर कर देगा, उसके बाद ही शायद लगता है पटरी जो है बिछेगा इस पर। सो देख सकते हैं JCB वाला ड्राइवर भाई साहब बहुत बढ़िया सॉन्ग को बजाते हुए अपना वर्क कर रहे हैं फटाफट। सो देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ मशीन है लगा हुआ। सो देख सकते हैं दोस्तों, ये माल से काम करवा रहे हैं। सो देख सकते हैं दो दो JCB है दोस्तों, और यहाँ से पटरी को डायरेक्ट कवाड़ लिया गया है, जिसके कारण ले सिराड़ी से कूड़ा वाले को काफ़ी परेशानी झेलना पड़ेगा। तकरीबन दोस्तों हमको लगता है एक महीने तक ले ये शायद रह सकता है, क्योंकि दोस्तों हम तो कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि कब तक ये पटरी बीत जाएगा दोबारा, और कब से ये सारा ट्रेन चलने लगा। सो देख सकते हैं दोस्तों, पटरी पर डायरेक्ट जो है ये पत्थर को गिरा दिया गया है, और देख सकते हैं यहाँ से लाइन को जो पटरी को ये काट लिया गया है। सो देख सकते हैं दोस्तों, सो दोस्तों हम फाइनली लखीसराय स्टेशन पहुंचने वाले हैं। सो चलिए दोस्तों, वहाँ पर भी मैं थोड़ा बहुत कुछ दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देख सकते हैं ठीक ही ठाक है पटरी, कोई दिक्कत नहीं, जो वहाँ जो है वहीं से सब कुछ किया गया है। और देख सकते हैं इधर पटना रूट हो गया और इधर गया रूट। सो देख सकते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी हो रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं पोल को गिरा दिया गया है और गड्ढा खुदाई की काम हो रहा है। सो देख सकते हैं दोस्तों, हम फाइनली किउल पश्चिम में आ गए, यानी लखीसराय जो है आउटर सिग्नल के पास से गुजर रहे हैं। सो चलिए स्टेशन भी आपको थोड़ा बहुत दिखा देते हैं, बने रहिए इस वीडियो में। और देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ जो है अब न्यू ढलैया होगा, जिसमें कि इलेक्ट्रिफिकेशन पोल को डालेगा। सो देख सकते हैं दोस्तों, अभी सभी भाई साहब जो है लंच कर रहे हैं। सो देख सकते हैं मेरे इस वीडियो में, सो दोस्तों हम फाइनली लखीसराय प्लेटफॉर्म पे चढ़ने वाले हैं। सो देख सकते हैं दोस्तों, वीडियो में इतना बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, यदि चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी इससे भी बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको मिलती रहे, एक एक पल की न्यूज़। सो देख सकते हैं दोस्तों, हम फाइनली पहुंचने वाले हैं हाँ प्लेटफॉर्म। सो देख सकते हैं, सो दोस्तों देख सकते हैं वो दो नंबर हो चुका है, ये एक नंबर। मैं आपको एक नंबर पे चल के दिखाता हूँ प्लेटफॉर्म पे। सो बने रहिए इस वीडियो में दोस्तों,
ये वीडियो का एंड होने वाली है क्योंकि 5 मिनट का ये वीडियो बन चुका है ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों हम फाइनली लखीसराय है, देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पे। सो चढ़ चुके हैं दोस्तों, तो देख सकते हैं लखीसराय। मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ, लखीसराय जंक्शन। सो देख सकते हैं दोस्तों लखीसराय जंक्शन। सो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसा ही बढ़िया वीडियो आपको देखने मिले इस चैनल पे। ओके, थैंक यू।